अच्छा कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? तो ये रिक्शा भारी नहीं है, मजबूत है। मतलब 4 घंटे चार्ज करके आप पूरे दिन चलाते हैं और तो 97% चार्ज सुबह से आप चला रहे हैं। पूरे चार्ज करने के बाद 1800-1900 रुपए आप कमा पाएंगे आपके हिसाब से। एक चीज लोग कहते हैं कि बाहुबली रिक्शा फ्लाई ओवर पे नहीं चढ़ पाता। नहीं नहीं ये गलत है, ये बहुत मजबूत है। इसमें दो दो दे रखे। हेलो दोस्तों, हम आ गए सादरा एरिया में और आज फिर से हम बाहुबली रिक्शा हमने पकड़ा है और ये देखिए सामने हमारे बाहुबली रिक्शा और भैया से बात करते हैं, जानबूझ करते हैं कि कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं, इनका क्या क्या फायदा, क्या क्या कमियां हैं बाहुबली में, क्या क्या अच्छाई है बाहुबली में, सारी चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका नाम क्या है? नफीस नाम है आपका। अच्छा कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? दो तीन साल से रिक्शा चला रहे हैं। अभी 3 महीने से पर नहीं निकाली है। अच्छा, मतलब 2-3 साल से रिक्शा चला रहे हैं। 3 महीने से बाहुबली, इससे पहले आपने कौन कौन से रिक्शे चलाए हैं? कई गाड़ियाँ नहीं, किराए पे चलाता था, उनका कोई नाम नंबर। अच्छा, बाकी बाहुबली गाड़ी पर किराए पे आपने कौन कौन सी चलाई है? ऐसा पुरानी गाड़ियाँ थी और कंपनियों के थी। अच्छा, तो मतलब लेकिन बाहुबली आप 3 महीने चला रहे हैं। अच्छा, आपने और भी कंपनी चलाई, ये भी चलाई, तो आपके हिसाब से क्या बाहुबली सही, मतलब बाहुबली में सबसे बड़े बताइए बाहुबली अच्छाई क्या है? अच्छा ये तो इसमें वजन ज्यादा और औरों से और ये चीज बढ़िया है इसका। अच्छा मतलब भारी होने का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, फायदा है। फायदा है भारी होने का फायदा, मतलब लोग तो दोस्तों मतलब लोहा जब ज्यादा होगा जब भारी होगी। वही 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 बिल्कुल। तो दोस्तों ये मान के चलिए जो ये रिक्शा भारी नहीं है, मजबूत है ठीक है, ऐसा कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा इसमें बताइए कि आप जैसे 3 महीने हो गए हैं तो अभी आपको कुछ चेंज वेंज कराना पड़ा है? अभी तक तो नहीं चेंज कराना पड़ा, मतलब सब कुछ है जो सही चल रहा है और बैटरी भी इतनी है कि मैं दिन भर में इसको दिन भर मतलब डिस्चार्ज नहीं हो पाती है, मतलब दिन भर एक बार भी कितने देर में चार्ज, कितने देर में जाती है? 4 घंटे मतलब 4 घंटे चार्ज करके आप पूरे दिन चलाते हैं और एक बार भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है? 4 घंटे चार्ज करके आप पूरे दिन चलाएं। अच्छा इसमें दो ही चीज़ें बढ़िया है, पहली तो है चेंजिस और दूसरी है जो बैटरी है, ये बहुत बढ़िया। अच्छा चेसी बढ़िया और बैटरी, चेसी देख सकते हैं बैटरी, हम बैटरी देख सकते हैं? हाँ देख लो, पीछे खुला हुआ है, देख लो खुला हुआ है दोस्तों, ये देखिए ये खुला हुआ है और इसको हम खोलते हैं। यहाँ पे सिंगल बैटरी लगा है, सिंगल चार्जिंग का देखिए यहाँ पे चार्जिंग भी दे रखा है, कितना चार्ज है वो चीज़, मीटर लगा हुआ वो चीज़ भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, कितना चार्ज 90 था, ये देखिए 97% चार्ज है यहाँ पे, 97% 6। अच्छा इसको बंद कर देते हैं, मीटर में तो कुछ रीडिंग आता होगा, खराब होगा। अच्छा पानी चला गया। अच्छा इसकी वजह से बारिश रुक नहीं पाई? अच्छा सामने से साइड से नहीं कर पाएगा, तो बारिश की वजह से मोटर ये खराब है, तार वार में खराब होगा तो वो तो ठीक करा लेंगे, वो तो हो जाता है। अच्छा आप एक दिन में मतलब कमा कितना लेते हैं, अगर मैं एक दिन की बात माने की 10-12 से 15 तक 1000 रुपए तो मतलब कम से कम है ही है और कभी 1500 तक भी चला जाता है, मतलब एक दिन में ये बैटरी से हम अगर रेगुलर पूरी बैटरी चलाएंगे तो हमारा 1800 से 1900 रुपए का काम कराते हैं। 1800 से 1900 मतलब पूरे दिन चलाएंगे तो, मतलब बैटरी अगर हम पूरी यूज करना चाहें। अच्छा एक बार में मतलब एक पूरे चार्ज करने के बैटरी एक बार पूरी चार्ज करने के बाद 1800-1900 रुपये आप कमा पाएंगे आपके हिसाब से। अच्छा तो ये आपने SS में लिया है और अच्छा लोहे में और SS में आपको क्या फर्क, मतलब SS में क्यों लिया? मजबूती बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? एक तो खूबसूरती होती है, तो फिर लुक देखने में लुक बढ़िया हो जाता है, दूसरा जंग नहीं आती है। हाँ जंग तो लेकिन इसको इसका ये तो साफ करना पड़ता है रेगुलर साफ करते हैं सुबह जब पार्किंग से निकालते हैं। अच्छा तो इसको साफ करते हैं। अच्छा पार्किंग में आप खड़ा करते हैं तो पार्किंग में कितना मतलब पैसा लेता है? पार्किंग में लोगों को 120 रुपए देते हैं, वो चार्ज भी करके देते हैं और पार्क भी करने देते हैं रात भर पार्क, मतलब हर दिन का 120 रुपए देते हैं जिसमें आपका पार्किंग और चार्ज दोनों। अच्छा अच्छा लोग जो कहते हैं कि ये चीज़ बाहुबली की काफ़ी अच्छी, तो क्या ये सच है? बहुत बढ़िया है कि पूरा फैन फैलता है और गाड़ियों में नहीं है ऐसा। हाँ ये क्योंकि पूरा अगर कभी कभी टकराते थे यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ टकरा भी है कभी कभार, तो टकराया भी तो आपका पैर जो है वो बच जाता नहीं पैर जगह अच्छी है, पूरा स्पेस काफ़ी दे रखा है, तो अगर आप यहाँ पे किसी और बंदे को बैठाते तो बैठने में उसको
कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा दो, अच्छा यहाँ पे दो दो बैठा लेते हैं, अच्छा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो लोकल में कर पाते होंगे, मेन रोड पे तो मना ही कर देते होंगे। मेन रोड नहीं, लोकल में हो जाता है कभी कभी, शाम के टाइम में ट्रैफिक हो जाता है, मजबूर में बैठाना पड़ता है। ठीक है, दो दो बैठा लेते तो मतलब अगर मैं बात करूँ, आप अगर इसमें आठ बैठा के भी चला लेते हैं, तीन तीन करके मतलब नौ बैठा लेते हैं टोटल, नौ बैठ जाते हैं। नौ बैठने के बाद भी बिल्कुल स्पीड में कोई कमी नहीं आती, बाहुबली रिक्शा फ्लाई ओवर पे नहीं चढ़ पाता। नहीं नहीं ये गलत है। अभी अभी मैं रहता हूँ शंकर विहार। अच्छा, डीएलएफ शंकर विहार, ये अपना दिल्ली में डीएलएफ शंकर विहार, ठीक है, खजूरी रोड में पड़ता है, खजूरी रोड उसमें ये है। अभी आज के टाइम में ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ मतलब रोड बनने हैं, उन्होंने साइड में दे रखा है इस तरह से। अच्छा, वहाँ ऑटो तक फेल हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है फ्लाई ओवर पे चढ़ाए भी ना, यहाँ पे आई नहीं है। अच्छा, साइड से रोड दे रखे हैं उन्होंने, सर्विस रोड। अच्छा, तो वो बंद करके ऊपर के रोड काम चल रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा, तो साइडों से दिया तो इस तरह से। अच्छा, और इस तरह से उस तरह से चल जाता है बाहुबली, बिल्कुल रोकने के बाद भी ब्रेक लेगा। अच्छा, और ऊपर हमारे चढ़ाई में ब्रेक मारना पड़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक मार के भी हम उसको लगा। अच्छा अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, जैसे इसका हैंड ब्रेक यहाँ पर है और हाँ बाकियों का हैंड ब्रेक साइड में होता है, उस साइड में होता है, तो आपके हिसाब से ये वाला सही है या साइड? नहीं, ये सही। क्यों? ये सही इसलिए कि ये हमारे हाथ पर रहता है ना हमेशा, उसके लिए झुकना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर जैसे आप कहते हैं कि दो दो मंडे बैठा लेते हैं तो बैठाने के बाद ये आसानी से दब जाता है, वहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलिए, अच्छा एक चीज मैंने एक भाई से पूछा था, उसने मेरे को ये कहा था कि फ्लाई ओवर पे चढ़ाते टाइम अगर बीच में रोकना पड़ गया तो वो वाला जो साइड में वो काम नहीं आता, ये वाला सही काम आता है। सही काम भी आता है, दूसरी बात क्या है कि उसमें एसी और भी है कि अगर हम इसको गिरा देते हैं ना पूरा तो इससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, स्टार्ट करने के बाद भी रेस अपने आप छोड़ देती है। मतलब अगर आपने एक बार पूरा नीचे कर दिया है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। स्टार्ट तो होगी। अच्छा, पर रेस नहीं उठेगी, रेस ही नहीं उठेगी, रेस ही नहीं उठेगी, उसका काम ही नहीं करेगी। अच्छा, और इसको हम हटा देंगे हाँ तो मुट्ठा काम करना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात है, खैर अच्छी बात, मतलब मुट्ठा अगर काम करना हो मतलब बंद नहीं हो जाता तो फिर आप एक खतरे से बच जाते हैं कि मतलब जैसे लगा हुआ हैंड ब्रेक अचानक से दबा दिया, इसी में हमने कहीं फड़ गए हैं तो हम इसको दबा सकते हैं, दबा सकते हैं, तो अपने आप एक गाड़ी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। अच्छा, इसका जैसे चेसी यहाँ पे बात करूँ, नेक तो ये जैसे ये बहुत मजबूत चीज़ है, इसमें दो दो दे रखे, बाकी समय एक ही दिया होता है, ये मजबूत मतलब तो क्योंकि दो रहे मजबूत से ज़्यादा यही चीज़ मजबूत है। अच्छा, क्योंकि बाकी में एक ही दे रखा है, उसमें दो दो दे रखा तो मजबूत काफ़ी है इसमें। ये दोस्तों हमारे साथ नफीस भाई हैं, ये इनका वह पूरा ई रिक्शा बाहुबली का 3 महीने पुराना है, और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अच्छा एक चीज़ भैया बताइए कि जैसे लॉक के बाकी रिक्शों में लॉक मिलता है नॉर्मल वाला, इसमें दोनों लॉक मिलता है, तो जो चाबी वाला लॉक है वो कहाँ तक कारीगर है, कहाँ तक आप फेल है? कोई भी काम। अच्छा, नहीं मतलब जैसे कहता ना अगर डबल है कि हम उसमें कोई भी अपना ताला मार सकते हैं, लेकिन अगर वो चाबी वाला कोई फायदा नहीं है? नहीं, जैसे कि अगर आप जी ये कहते हैं कि ये वाला टूट जाता है, मतलब वो लॉक जो बनाया ना लॉक सेट नहीं है। अच्छा, सेट ये देखो, लगा के देख लो आप, इसी में देख लो, ये यहाँ का है, इसी में देख लो चेक करके। अच्छा, लॉक ही नहीं ये लॉक का थोड़ा सिस्टम सही हो जाए ना। अच्छा, ये सही हो जाएगा, मतलब लॉक लगाना सही है लेकिन जिस तरह से लगा वो गलत है, मतलब लॉक लगाना सही है मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना, लॉक होना चाहिए, लॉक इस तरह का होना चाहिए लेकिन जिस तरह का ये लगा रखा है वो गलत है, समझ गए बिल्कुल आप बात। दोस्तों ये है आपका बाहुबली रिक्शा, पूरा 3 महीने पुराना है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, मजबूती ये मजबूती से काफ़ी खुश हैं। और बाहुबली का देखिए, अगर हम बात करें पूरा मुआयना ले लेते हैं, पीछे ये देखिए, पीछे कोई भी दिक्कत नहीं, स्टेपनी इसकी देखना बात करते हैं, स्टेपनी का है। अच्छा भैया, इसकी स्टेपनी कहाँ है, स्टेपनी का क्या हुआ इसकी? स्टेपनी रख रखी है मैंने, कहीं पंचर हो गई थी खोल कर रखी। अच्छा, पंचर हो गई तो खोल के रखी, वहाँ दे के आया हूँ ना, आप जाऊँगा तो पंचर उठा लूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो मैं बस तो पंचर अपना गाड़ी का जो वो है उस काम चलाने के चेक कर दिया, बाकी चेंज हो गया। अच्छा दोस्तों, ये है आपका बाहुबली रिक्शा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और मेरे को सपोर्ट करने के लिए वीडियो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।